बुलेटिन में आपका स्वागत है। नए साल की बधाई के साथ आइए आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में रखी एम्स हॉस्पिटल की आधारशिला। नए साल के लिए 2021 के लिए पीएम मोदी ने दिया मंत्र, दवाई भी कड़ाई भी, जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराने का दिलाया भरोसा। दवाई भी और कड़ाई भी, कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए हमने एकजुट होकर प्रयास किए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए भी पूरा भारत एकजुटता से आगे बढ़ेगा। सबसे बड़ी प्राथमिकता शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा ही है। मोदी सरकार ने किसानों को सब्सिडी जारी रखने की मांग पर जताई सहमति। पराली कानून को आपराधिक श्रेणी से हटाएगी सरकार। किसान संगठनों ने सरकार के रुख पर बताया सकारात्मक। किसान कानून पर सरकार से वार्ता के बाद किसान संगठनों ने रद्द की ट्रैक्टर रैली। कल दो मुद्दों पर सरकार और किसानों पर बन गई थी सहमति। किसानों ने कहा, यदि सरकार मान लेती है सभी मांगे तो आगे नहीं बढ़ाएंगे आंदोलन। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी टीएमसी यूथ विंग के अध्यक्ष विनय मिश्र के घर सीबीआई की छापेमारी। मवेशी तस्करी के मामले में सीबीआई ने मारी रेड, बढ़ सकती हैं मुश्किलें। केरल विधानसभा ने मोदी सरकार के कृषि कानून के खिलाफ पारित किया प्रस्ताव। कानून को बताया किसान विरोधी, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने कानून बनाने का आरोप। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में भाजपा जजपा गठबंधन को बड़ा झटका। निकाय चुनाव में मिली करारी हार, निर्दलीयों समेत स्थानीय पार्टी ने मारी बाजी। छत्तीसगढ़ में चावल भंडारण को लेकर टेंशन। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को फोन कर मांगी मदद। चावल के स्टोरेज के लिए पीएम मोदी ने दिलाया मदद का भरोसा। यमन के अदन एयरपोर्ट पर जोरदार धमाका, 25 लोगों की मौत, 110 लोग हुए घायल। पीएम समेत पूरी कैबिनेट को उड़ाने की थी साजिश, मंत्रियों के जहाज के पास किया गया विस्फोट। An attack has hit an airport in Yemen shortly after the arrival of the country's prime minister, members of its newly formed government, and the Saudi ambassador. This was the moment the attack hit as officials disembarked from their plane. Dozens of people have been killed or wounded, although the ambassador and cabinet members were reportedly evacuated safely. A Reuters photographer. महाराष्ट्र में 31 दिसंबर तक रात 11 बजे तक ही खुले रहेंगे होटल, बार और पब। कोरोना महामारी के चलते उद्धव सरकार का निर्णय, लोगों से सतर्क रहकर 31st और नया साल मनाने की अपील। नवम्बई में पुलिस की तगड़ी पहरेदारी। नए साल में 2000 पुलिस कर्मी और 350 ट्रैफिक पुलिस कर्मी नियुक्ति। चप्पे चप्पे पर रहेगी निगरानी। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।